वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स समाप्त करने और नई कर प्रणाली के तहत कर दरों में बदलाव करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी करने वालों को भी राहत देने से जुड़ी घोषणाएं की हैं। आइए समझते हैं बजट से जुड़ी खास बातें। पहली, नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन के लिए, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। किसान के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। महिलाओं और लड़कियों के लिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, मोबाइल फोन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम की, मोबाइल सस्ते होंगे। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी कम कर 6% की।